दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन कीट्स की लिखी हुई एक पोयम ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। पोयम को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनता है दोस्तों। कीट्स ने इस पोयम को लिखा था मई 1819 में, यानी अब से अगर हम लोग देखें तो लगभग 200 साल पहले, और जनवरी 1820 में इसको पब्लिश करवाया गया था। बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस पोयम है दोस्तों कीट्स की ये। अब इसके टाइटल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अर्न का मतलब होता है एक कलश टाइप का, ये पिक्चर है कलश की, इस टाइप का कोई कलश। ग्रीशियन का मतलब होता है यूनान देश का। हमारे पॉइट जॉन कीट्स लंदन के एक म्यूजियम में गए जहां उन्होंने इस ग्रीशियन अर्न को देखा जिसके तीन तरफ पिक्चर्स बनी हुई थी। इन पिक्चर्स की नक्काशी को देख करके कीट्स ने इन पर एक ओड लिख डाली। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये पिक्चर्स, तो इन पिक्चर्स को देख करके बहुत प्रभावित हुए कीट्स, तो एक ओड लिख डाली। 5 स्टैंजा की ये ओड है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और हर एक स्टैंजा के अंदर 10-10 लाइनें हैं। ये दोस्तों छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया पोएम का। अब हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। तो दोस्तों इस पोएम की शुरुआत होती है इस लाइन से, दाउ स्टिल अनरैविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। इस लाइन का मतलब है तुम क्वाइटनेस की अनरैविस्ड दुल्हन हो। अनरैविस्ड का मतलब होता है शादी के बाद जिस महिला को, स्त्री को हाथ नहीं लगाया गया हो, जिसको उसके हस्बैंड ने हाथ तक नहीं लगाया, प्योर हो वो महिला, तो उसको अनरैविस्ड बोलते हैं। तो कीट्स उस अर्न को बोल रहा है कि तुम क्वाइटनेस की अनरैविस्ड वाइफ हो, मतलब तुमने क्वाइटनेस से शादी की है। नेक्स्ट लाइन में कीट्स बोलते हैं उसको, द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। ये लाइन भी कीट्स ने उस अर्न को ही बोली है कि तुम साइलेंस और स्लो टाइम की अडॉप्टेड चाइल्ड हो। फॉस्टर चाइल्ड का मतलब होता है दोस्तों अडॉप्टेड चाइल्ड। दूसरी भाषा में बोले तो ऐसा बच्चा जिसको उसके खुद के माँ बाप ने नहीं बल्कि किसी और ने पाल पोस के बड़ा किया हो, तो उसको बोलेंगे फॉस्टर चाइल्ड। आगे बोलते हैं सिल्विन हिस्टोरियन। तो यहाँ पे कीट्स उस अर्न को एक हिस्टोरियन बता रहा है, मतलब ऐसा हिस्टोरियन जो जंगलों की कहानियां सुनाता है। सिल्विन का मतलब दोस्तों फॉरेस्ट से रिलेटेड। हु कैन दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम। मतलब दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक लाइन का मतलब है कि उस अर्न के ऊपर फ्लावर छपे हुए हैं जिससे वो अपनी स्टोरी को सुनाता है, जिससे वो अपनी स्टोरी को एक्सप्रेस करता है, और वो स्टोरीज कीट्स की राइम से भी स्वीट है। ये इस लाइन में कीट्स ने खुद ने बोला है स्वीटली देन अवर राइम। अब इसके बाद की लाइनों में कीट्स उस अर्न को पास से देखता है, थोड़ा पास से देखता है, और बोलता है व्हाट लीव फ्रेंज्ड लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट द शेप। इस लाइन का मतलब है दोस्तों उस अर्न के ऊपर कुछ पिक्चर्स छपी हुई है और वो पिक्चर्स कोई स्टोरी बता रही है। सीधा सीधा इस लाइन का मतलब यह है कि वो उस अर्न को बोल रहा है कीट्स कि तुम्हारे किनारों पर जो पत्तियां बनी हुई है वो कोई स्टोरी, क्या स्टोरी बयां करती है। लेजेंड का मतलब दोस्तों यहाँ पे स्टोरी से है, यहाँ पे स्टोरी है लेजेंड का मतलब, ऑफ डियटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ। इस लाइन का मतलब है दोस्तों डियटीज का मतलब क्या वो देवताओं की है, मॉर्टल्स का मतलब इंसान, क्या वो देवताओं की है या फिर इंसानों की है या फिर दोनों की, और ऑफ बोथ का मतलब है या फिर दोनों की। इन टेम्पे और डील्स ऑफ आर्केडी, टैम्पे में या फिर आर्केडी की घाटियों में। मतलब कीट्स को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो पत्तियाँ बनी हुई है इसके किनारों पर, इस अर्न के किनारों पर, वो क्या बयां कर रही है। आगे की लाइनों में भी वो वही बात दोहरा रहा है, व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज। वही बात बोल रहा है सिंपल लैंग्वेज में कि ये आदमी है या गॉड्स। व्हाट मेडन स्लॉथ, या फिर कुछ लड़कियों का ग्रुप। व्हाट मैड प्रस्यूट, जिनका पीछा कुछ पागल लड़के कर रहे हैं। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और वो लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं बचने के लिए उन लड़कों से। व्हाट पाइप्स ऑफ टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, उसी जंगल में कोई बांसुरी बजा रहा है, और क्या आनंद देने वाला ये वाइल्ड सीन है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टैंजा। इसके अंदर क्या समझ में आया कि कीट्स ने उस अर्न को देखा, उस ग्रीसियन अर्न को देखा, उसे एक ब्राइड बोला, एक दुल्हन बोला जिसे उसके हस्बैंड ने हाथ तक नहीं लगाया है, और वो साइलेंस और स्लो टाइम की अडॉप्टेड चाइल्ड है। इसके बाद वो उसके ऊपर कुछ नक्काशी देखता है और वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या है, क्या बयां कर रही है ये पिक्चर्स। सेकंड स्टैंजा के अंदर कीट्स उस अर्न पर छपी हुई दूसरी पिक्चर्स को देखता है और उसमें बोलता है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। जो मेलोडीज मतलब साउंड, जो साउंड सुनते हैं हम वो तो स्वीट होता ही है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। लेकिन जो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ वो स्वीटर है, मतलब स्वीट से भी ज़्यादा है वो। देयर फॉर ये स्वीट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए ये जो पाइप्स
इस पिक्चर में बजाए जा रहे हैं नॉट टू द सेंसुअल ईयर, मतलब उस साउंड को मैं अपने सेंसुअल कानों से नहीं सुन पा रहा, बल्कि बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन, बल्कि स्पिरिट से सुन रहा हूँ ऐसे गीत, अपनी स्पिरिट से सुन रहा हूँ ऐसे गीत जिनकी कोई टोन नहीं है। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, मतलब एक जवान लड़का, फेयर यूथ का मतलब एक जवान लड़का जो पेड़ों के नीचे बैठा है, बीनीथ द ट्रीज, थाउ कैनस्ट नॉट लीव द सॉन्ग, तुम अपने गीतों को नहीं छोड़ सकते, ऐसा बोल रहे हैं कीट्स उस पाइप बजाने वाले से, उस पिक्चर में जो पाइप बजा रहा है जो लड़का, जवान लड़का पेड़ के नीचे बैठ करके, उससे बोल रहे हैं कि तुम अपने गीतों को नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते ये हमें आगे पता चलेगा। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और वो पेड़ जो हैं जिन पेड़ों के नीचे ये बैठा है उन पेड़ों के पत्ते भी नहीं जड़ेंगे। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है कि तुमको यही सॉन्ग बार बार बजाना होगा, तुम अपना सॉन्ग चेंज भी नहीं कर सकते, और तुम्हारे जिन पेड़ों के नीचे बैठे हो उन पेड़ों के पत्ते भी नहीं जड़ेंगे, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोस्तों ये एक पिक्चर है, कीट्स अर्न के ऊपर छपी हुई एक पिक्चर देख रहा है और उसको देख करके बोल रहा है कि ये पत्ते कभी नहीं जड़ेंगे और तुम्हें सेम म्यूजिक बजाते रहना होगा। आगे बोलते हैं, बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस द किस, और तुम बोल्ड लवर तुम भी अपनी लेडी को कभी किस नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम सिर्फ एक पिक्चर हो। थ्रू विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, उस बोल्ड लवर से बोल रहे हैं वो लड़के जो लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं कीट्स कि तुम कभी अपनी लेडी को किस नहीं कर पाओगे जिनका तुम पीछा कर रहे हो क्योंकि तुम एक पिक्चर हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। येट डू नॉट ग्रीव बिकॉज शी कैन नॉट फेड, क्योंकि उसकी ब्यूटी कभी फेड नहीं होगी क्योंकि तुम एक पिक्चर हो। दो दाव हैज नॉट द ब्लेस फॉर एवर विल्ट दाव लव एंड शी बी फेयर, इस लाइन का मतलब है क्योंकि तुम सिर्फ एक पिक्चर हो तो तुम ऐसे ही इसको लव करते रहोगे और ये ऐसे ही फेयर ब्यूटीफुल रहेगी। तो दोस्तों ये दूसरा स्टेंजा था, इसके अंदर कीट्स ने उस अर्न पर छपी हुई दूसरी पिक्चर को देखा, पहले स्टेंजा में पहली पिक्चर को देखा, दूसरे स्टेंजा में दूसरी पिक्चर को देखा और दूसरी पिक्चर को देख करके क्या सोचा, उस पिक्चर में एक जवान लड़का एक फेयर यूथ पेड़ों के नीचे बैठ करके बांसुरी बजा रहा है और कीट्स उसको बोलते हैं कि तुम्हारी बांसुरी जो है तुम एक ही सॉन्ग बजाओगे उसमें और दूसरी चीज तुम्हारे पेड़ों से पत्तियाँ नहीं गिरेगी जिन पेड़ों के नीचे तुम बैठे हो क्योंकि तुम एक पिक्चर हो, तो पिक्चर कभी बदलती है क्या? नहीं बदलेगी, तो इसलिए ये चीज़ें चेंज नहीं होगी। ये दोस्तों दूसरे स्टेंजा तक की समरी थी, अब हम लोग बाकी के जो तीन बचे हुए स्टेंजा हैं वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।